हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीपीडिया। टेकीपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाला हूँ कि क्या मैं गुरुजी से नफरत करता हूँ यार। मतलब मेरी क्या औकात है यार, जो गुरुजी से नफरत करूँगा या गुरुजी से कंपटीशन करूँगा। गुरुजी के लेवल का भी नहीं हूँ मैं गुरुजी से बहुत 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 ज़्यादा नीचे हूँ। तो गुरुजी से कंपटीशन या उनसे हेट करना या ऐसे करना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी से हेट करता हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा 3-4 वीडियो को मैं यहाँ पे दे दूँगा कार्ट में। पहला ये वीडियो ये जो यहाँ पे मैं कार्ट में आपको अभी दे रहा हूँ यहाँ पे कार्ट में, वो ये है कि जब ASUS का फैन मीट हुआ था, तो मैं उस फैन मीट में सिर्फ इसी के लिए गया था कि उसमें मुझे मौका मिल रहा था गुरुजी से मीट एंड ग्रीट करने का, कोलैब करने का चांस मिल रहा था। दोस्तों, वहाँ पे मैं गया था, पूरा मतलब जोर शोर से कोशिश किया था, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया था और पूरा कोशिश किया था कि अच्छे वीडियो को इतना अच्छे से प्रेजेंट करूँ कि मेरा वीडियो जो है फर्स्ट में सेलेक्ट हो जाए और टेक्निकल गुरुजी से कोलैब करने का मौका मिल जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं और मुझे मौका नहीं मिला। मुझे सेकेंड पोजिशन मिला, जो कि मुझे ASUS ZenFone Max M2 जीतने का मौका मिला। लेकिन मैं पूरा कोशिश में था कि यार टेक्निकल गुरुजी से कोलैब करने का मौका मिल जाए एक, तो काफ़ी अच्छी बड़ी बात हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद दूसरा मैं आपको लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे कार्ट में, वो भी प्लीज़ देख लीजिएगा। कुछ दिन पहले मनोज दे ने एक फेक ऐप का ये बनाया था, वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत सारे जो सब्सक्राइबर थे उनको नेगेटिव कमेंट मिला। तो मैंने वो ऐप को खुद यूज किया। उस ऐप को यूज़ करने के बाद दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको पॉइंट तो मिल जाते हैं, लेकिन जब उनका रिवार्ड वाला चक्कर आता है कि इतना पॉइंट आप एक्सपेंस करो तो आप ये जीत सकते हो, वो जीत सकते हो, उसमें करोगे तो आप 10 से 20 बार कर लो, फिर भी आपको 0 कुछ मिलेगा। यानी कि जो भी रिवार्ड में आपने पैसा लगाया, वो सब सारा जो भी जीता वो सब चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं यार उनके जो सब्सक्राइबर थे वो नाराज़ हो गए। तो उनके वीडियो को हेल्प के जरिए मैंने टेक्निकल गुरुजी का वहाँ एक बात बताया था। मैंने एक वीडियो टेक्निकल गुरुजी का बहुत पहले देखा था, जिसमें उन्होंने ओपन अप केस, दोस्तों ये एक वेबसाइट था जो बहुत चला था कि आप ऑनलाइन पैसा कमाने का, तो ओपन अप केस के बारे में टेक्निकल गुरुजी ने पूरा क्लियर वीडियो बना दिया था और अच्छे से समझा दिया था कि ओपन अप केस वेबसाइट जो है वो क्या है और कैसे आपको लूटता है। तो दोस्तों, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश होने वाला बंदा मैं था, जो मैं जानता हूँ। एंड दोस्तों, सिर्फ यही दो बात नहीं, और भी बहुत सारे बात है। मैं आपको बात बताने जाऊँ तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं आपको YouTube पे अगर बोलोगे आप कि YouTube पे आए हो तो किस हिसाब से आए हो, किसको मेंटर मानते हो, किसको गुरु मानते हो, तो दोस्तों मैं यहाँ पे 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले तो माय स्मार्ट सपोर्ट का यार, उनका डेडिकेशन, उनका मेहनत, वो आपको मोटिवेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, जो वीडियो आप कंटिन्यू बना सको और ये कर सको। और दोस्तों, जो दो बंदा जिनका डेडिकेशन मुझे मतलब पूरा हिम्मत देता है, उनके डेडिकेशन को देखें कि जब ये कर सकते हैं तो मुझे भी कोशिश करना चाहिए। पहला टेक्निकल गुरुजी, जो आपको डेली टेक्निक्स दे देते हैं, एक वीडियो यानी कि डेली अभी 2 वीडियो वो दे देते हैं। दोस्तों, उसके बाद है टेक्नोरोहेज। जी हाँ दोस्तों, इस बंदे का भी डेडिकेशन और मेहनत देखो, डेली आपको टेक न्यूज़ देते हैं। और टेक न्यूज़ बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं यार, टेक न्यूज़ आपको 2 से 3 घंटा लगता है ढूंढने में। मैं भी एस्टेक वर्ल्ड जब चलाया था तो टेक न्यूज़ दिया था, 2-3 कितना मेहनत लगता है वो मैं जानता हूँ। आपको टेक न्यूज़ ढूंढना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, और टेक न्यूज़ जो होता है उसमें रिटेक्स भी बहुत हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा गारंटी के साथ बोलता हूँ कि टेक न्यूज़ देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। और वो दो बंदे आपको डेली 2 वीडियो देते हैं, उनका डेडिकेशन देखो, उनका मेहनत देखो, तो कहीं भी आप आराम से उनसे इंस्पायर हो जाएंगे। तो दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कुछ भी टेक्निकल गुरुजी के खिलाफ नहीं बोला था। जो एज ए सब्सक्राइबर उनका, एज ए व्यूअर, एज ए फैन जो मुझे लगा कि वो मैंने बोला, दोस्तों मुझे लगा मनु कुमार जैन ने जो ट्वीट किया था उनका, मैंने क्लियर बोल दिया कि पहला पोर्शन जो था उनका, वो मुझे कहीं ना कहीं सही लगा कि अगर आप एक टेक यूट्यूबर है तो आप एज ए प्रोजेक्ट, जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसमें आप जाइए, एज ए टेक यूट्यूबर जाइए, ना कि आपको प्रोडक्ट लॉन्च जो करते हैं उस हिसाब का जाइए कि भाई उसके अच्छाई के बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के बारे में बोलिए। दोस्तों, आप एक टेक यूट्यूबर है, आपके ऊपर मिलियंस लोग भरोसा करते, तो आप अच्छाई बुराई दोनों चीज़ बता दीजिए। तो दोस्तों, मैं अगर आप बोलेंगे तो टेक्निकल गुरुजी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे, शायद नहीं भी देख रहे होंगे क्योंकि यार वो मेरा वीडियो उन तक शायद नहीं पहुंचेगा। दोस्तों, अगर देख रहे होंगे उनके तक पहुंच भी जाता है तो एक रिक्वेस्ट है कि यार एज ए व्यूअर्स, सर मैं आपका फैन हूँ, एज ए फैन मुझे ये चीज़ बुरी लगी। दोस्तों चलो ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि चलो आपने एम सीरीज के लॉन्च में गए, आपका अच्छा बात बताया, बुरा नहीं बताया, चलो ठीक है, चलता है, जो अच्छा था आपने बताया, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी आप जो Redmi Note 7 का उनका वीडियो आया, उनका जो बेन टेस्ट किए, वो
तो वहाँ पे क्लियर आप वीडियो देखेंगे तो वो लग रहा था यार कि जो मोबाइल को तोड़ने में वो थोड़ा अपना जो स्ट्रेंथ है वो लगा रहे थे, क्योंकि दोस्तों आप अगर वैसा बेन टेस्ट करना चाहें तो आप कोई भी स्मार्टफोन दो वो टूट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रेडमी नोट 7 बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने देखा नहीं, सिर्फ फोटो देखा है, सिर्फ वीडियो देखा है और जो उन लोगों का टेस्ट होता है वो देखा है। तो दोस्तों Xiaomi वाले का भी कहीं ना कहीं यार, Xiaomi वाले जो इतना ऐड करते हैं, सीढ़ी से गिराते हैं, डस्टबिन में रख के लोगों को चलवा देते हैं, तो इतना ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब वो ऐड करेंगे तो उनका रिएक्शन भी जरूर आएगा। तो दोस्तों टेक्निकल गुरु जी और मनु कुमार जैन के ऊपर जो वाद विवाद जो भी था वो उनके बीच में था यार, जो एज अ व्यूअर्स एज अ फैन मुझे जो लगा वो मैंने बताया है यार। मतलब इसमें बुरा क्या है, आपको जो लगता है फैक्ट वो बताने में अगर बुराई है तो फिर आप बन जाओ बुरे यार, फैक्ट तो बता दो यार, जो आपके दिल में वो बता तो दो किसी भी चीज़ को यार। आप ये मतलब उनके लिए आप अच्छा नहीं कर रहे हो, अगर आपको लगता है यार कि नहीं वो बहुत बड़े आदमी है, उनके सामने उनके अगेंस्ट में उनको कुछ बताएं, उनको कुछ आप हिंट दें तो उन बुरा मान जाएंगे, तो दोस्तों ये उनके लिए भी बुरा है, क्योंकि दोस्तों आप उनको फॉलो करते हैं, अगर आपको मन में ये बैठ जाए कि नहीं ये बंदा मुझे कुछ ना कुछ यार इन्फ्लुएंस करता है, गलत चीज़ बता रहा है जो आपको नहीं बताना चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं ये हो जाएंगे और उनके लिए भी बुरा होगा कि आप उनको मतलब कहीं ना कहीं यार थोड़ा नज़रिया जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो आप अगर खुलकर बोल देंगे सर मुझे ये चीज़ लगा और मैंने आपको बताया, जैसे मुझे जो लगा मैंने वो बताया यार वीडियो में, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी बुरा किया, जो आप लोग आके गालियाँ दे रहे हैं, आप लोग आके बैठ कमेंट्स दे रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके बैड कमेंट्स को मैं देखूंगा, मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो आपको बिल्कुल पूरा पूरी बोलता हूं 100% आपको गलत लगता है। मैं वीडियो बनाना छोड़ने वाला नहीं, मेरा जो डेडिकेशन है, मेरा जो मेहनत है, मेरा जो इंस्पायरेशन है, मतलब जो उन तीन लोगों की वजह से जो इंस्पायर हुआ हूं दोस्तों, उनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मेरा जो डेडिकेशन है डेली वीडियो बनाने का, मैं बनाने वाला हूं, और दोस्तों जो मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको डेली टेक्निक्स देगा, मोनेटाइजेशन होने के बाद कुछ अच्छा सेटअप ढंग का कुछ अच्छा सा प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद आपको डेली टेक्निक्स दूंगा तो वो भी दे दूंगा, लेकिन दोस्तों मेरा जो कमिटमेंट है मैं उस पर अभी भी कायम हूं और अभी भी कायम रहूंगा, जो मुझे गलत लगा मैंने वो बोला, बाकी आपको क्या लगता नहीं लगता प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने बस थोड़ा सा क्लियर करने का बताया था कि बस ये आप मत फैलाइए यार कि ये वीडियो को देख के कि मैं टेक्नोलॉजी को हेट करता हूँ, बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ। अगर मेरा पूरा वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको क्लियर एक चीज़ बोला था कि मैंने उन दोनों आदमी का कुछ ना कुछ गलती था, एक मनु कुमार जैन को ये नहीं बोलना चाहिए था कि भाई पैसे लेकर जाते हैं, और टेक्नोलॉजी को एज ए टेक यूट्यूबर एज ए रिव्यूअर जाना चाहिए था। मुझे ये लगा जो चीज़ लगा, क्योंकि मैं जो टेक्नोलॉजी को जानता हूँ वो टेक्नोलॉजी एकदम अनबायस्ड है, वो ओपन अप केस को पूरा एकदम चित्री चित्री उड़ा दिए थे। दिस नीड टू बी स्टॉप, यानी उनका एक वीडियो आया था जो उनमें एक प्रोडक्ट के जो मैनेजर जो भी हो कंपनी के लोग उनको बोले थे कि इतना पैसा देंगे, उनका पॉजिटिव रिव्यू, तो वो उनको करारा जवाब दिए थे। और वो मैं उस टेक्निकल गुरु जी को जानता हूँ, उन टेक्निकल गुरु जी को जानता हूँ जो पूरे पूरे एकदम सच्चाई पे रहते थे, किसी के खिलाफ अगर आपको कोई इन्फ्लुएंस करता है पैसा देके तो उसके खिलाफ वो हो जाते थे। मैं जिनको जानता हूँ वही मैं चाहता हूँ कि बस वही टेक्निकल गुरु जी बने रहें। तो दोस्तों बस इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझे होंगे और मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप लोगों को कोई बात बुरा लगा होगा तो सॉरी, लेकिन जो मेरे दिल में आया, जो सही लगा कि हाँ भाई उनका व्यूअर है, उनका फैन हूँ, एज अ फैन मुझे जो कहना चाहिए मैंने उनको कहा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सब अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।